So we were discussing about Niels Bohr atomic model, and we got to know that the condition for orbital stability was that the circumference for given radius Rn should be an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron. And from here also, we got what is called as the Niels Bohr formula for radius, which is Rn can be given by n square times a naught, where a naught is the first orbital radius of electron and hydrogen atom, जिसकी की वैल्यू होती है 5.3 into 10 to the power minus 11 meters. Okay, so this is the thing which we have discussed till our last part of the video. अब हमें पढ़ना है कि Bohr's model कैसे एनर्जी लेवल्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, सो एज यू नो दैट वी ऑल स्टार्टेड विद दैट द एनर्जी और द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय E square with a negative sign upon 4 pi epsilon naught into R. You remember this? Agar nahi yaad hai, toh yahan se dekhiye. We started with calculating the velocity, which was from mv square upon R has to be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught E square upon R square. Aur yahan se hamein pata chala ki velocity can be written as E upon under root 4 pi epsilon naught mr. And if somebody is asking you to find kinetic energy now, which is nothing but equals to half mv square, if you'll find that, you will use 1 by 2 into m, and v square means is puri cheez ka square, which will be E square upon 4 pi epsilon naught m into r. This m and n will get cancelled. So the kinetic energy is coming out to be half mv square is equals to E square upon 4 times 2 is 8 pi epsilon naught E square upon 8 pi epsilon naught r. ये हुई आपकी kinetic energy. Okay. अब क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है ना, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो सच अ सिस्टम विल ऑलवेज पजेस, बिकॉज ऑफ पोजीशन इट विल ऑलवेज पजेस पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट और पोजिशन इज पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं. सच अ सिस्टम कूलमिक लॉस से निकाल सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1 by minus 1 upon 4 pi, let me just epsilon naught E square upon R. This is E. Okay, negative sign because there is an attractive force between the two. It is attracting each other. Minus 1 upon 4 pi epsilon naught E square upon R. So the total energy ki equation kya ho gayi fir? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक निकाली है हमने 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस, अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली विच वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ ई स्क्वायर था. इफ यू विल कैलकुलेट इट द टोटल एनर्जी विल कम आउट टू बी, आप यहाँ से लेंगे तो एलसीएम आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देन दिस विल बी 1 माइनस 2 इज माइनस 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. So this is your total energy. Remember, हमने कहीं पिछली किसी वीडियो में derive भी किया होगा. Anyways, but now this total energy will also get quantized because our radius has now become quantum. This R is no more R now. It is now Rn. और इसी तरीके से जो E है वो भी E नहीं रहेगा, अब वो En हो जाएगा. Okay, so we have equation minus E square upon 8 pi
एप्सिलॉन नॉट इनटू आरएन। और थोड़ी देर पहले जो हमने आरएन की इक्वेशन निकाली थी उसे इसमें पुट कर दीजिए, यू विल हैव ईएन इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आरएन की जो इक्वेशन वी जस्ट डिराइव्ड, लेट मी जस्ट सर्च माय पेपर्स, द इक्वेशन व्हिच वी गॉट फॉर आरएन वाज दैट, यस इट इज देयर। सो आरएन की इक्वेशन थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई इनटू एम, ठीक है, दिस इज होल आरएन। तो अगर आप अरेंज करें अभी ई स्क्वायर वगैरह सब एक साथ, सो व्हाट यू विल गेट इज दैट ई एन विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा अब, माइनस ऑफ ई की पावर 4, पाई से पाई कैंसिल होता दिख रहा है, सो दिस पाई विल गेट कैंसिल्ड। देन वी हैव एम, ये एम ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, दिस इज एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इनटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये मैं अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है, बाकी कुछ बचा नहीं, 8 हो गया, एप्सिलॉन हो गया, एच हो गया, एन हो गया, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। दिस इज द क्वांटमनेस। अब देखिए इसमें यहां जो हम देख रहे हैं दिस इज कॉन्स्टेंट, तो यू हैव गॉट अ फॉर्मूला माइनस ई की पावर 4 इंटू एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। और ये जो है बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट, अगर आप ई एम एप्सिलॉन और एच की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 2.18 into 10 to the power minus 18 joules upon n square for hydrogen atom, ठीक है, इसको put करेंगे तो you will get the answer 2.18 into 10 to the power minus 18 joules, और अगर आप इसे convert करें electron volts में so it will be something like that your en which is equals to some constant, अगर इस constant को electron volt में convert करेंगे तो हो जाएगा 13.6 with a negative sign, don't forget the negative sign. It says that you have to spend some energy in order to eject an electron out of the atom. Minus 13.6 electron volts upon n square. Okay. So, this gives the quantumness for energy, that the energy of the nth level will be given by the energy of the first level upon n square. If n is 1, to equal ho jayegi ye even ke. N is 2, to it will be different. N is 3, it would be different. Fine. So these levels are all negative, which signifies that electron does not have enough energy to itself escape from the nucleus. Aapko bahar se energy deni padegi positive karne ke liye, taki wo bahar nikal paye. Okay. So this formula also has a bigger significance. This formula can explain the spectrum. जो हमें discrete lines मिल रही थी, जब हमने rarefied gas ली थी, उसका absorption और emission spectrum देखा था, उससे relate करके देखेंगे. So you will find that the atomic theory given by Niels Bohr is actually solving all queries. Okay. So एक छोटा सा example है. Just try to see that. कि let us say that if your atom was in n equals to 1 state, hydrogen atom, and because of something, collision या किसी चीज की वजह से, the electron get excites to n equals to 3 state. Okay? तो ये बताना है कि कितनी energy का difference हुआ होगा, या कितनी total energy change हो गई, और ये हम जानते हैं कि it can only happen because of the kinetic energy. तो change in the kinetic energy पूछ रहे हैं, with lead to the change in the potential energy. Total energy the conserved rehne wali hai. To agar aap yahan se ise calculate karein, so it becomes that the change in the energy will be given by EF minus E initial. Final energy kitni hai aur initial energy kitni hai. Aur humne ye pata chala ki agar aap Bohr model use karein, abhi keval hydrogen atom ke liye use kar sakte hain wo. Usme Z use nahi kiya hai humne. We don't know about the atomic
number. We are only using there is single proton at the nucleus. ठीक है इसलिए. So EF की जगह मैंने रखा E1 upon n equals to 3 है इसलिए 3 square क्या हो जाएगा? It is given by n square right? So E हो जाएगा 9 minus E1 upon 1. Fine. So if you will solve that, so E1 की value you already know. So I can write this as E1 common 1 upon 9 minus 1 upon 1. तो ये हो जाएगा with a negative sign. Even की वैल्यू खुद ही नेगेटिव होती है अभी इसलिए नेगेटिव नहीं लगाते हैं. ये हो जाएगा 9 कॉमन 1 माइनस 9 एंड इवन क्या होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 9 व्हिच यू कैन कैलकुलेट. सो यू विल फाइंड दैट माइनस 8 अपॉन 9 माइनस प्लस 8 क्या. तो लेट मी यूज माय कैलकुलेटर शुड बी देयर. You have minus 13.6 into 8 divided by 9. So you get 12.08. Ye minus minus plus ho gaya electron volts. So this much amount of energy difference is there, which you must have supplied in form of kinetic energy. Ab wo collision se aa rahi hai, thermal de rahe hain, aap kaise bhi de rahe hain. Lekin agar n equals to 1 state se 3 par jana hai, to itni energy kharch karenge hum. Itni to karni hi padegi. ठीक है. एंड डिपेंडिंग ऑन कितनी ज्यादा एनर्जी है या कितनी दूरी पर है, जितना ज्यादा क्वांटम नंबर होता जाएगा उतनी ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी एनर्जी. ठीक है. और n इक्वल्स टू इनफिनिट देखें अगर, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट ई एन इज इक्वल्स टू ई वन अपॉन एन स्क्वायर. इफ यू पुट एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी व्हाट विल बी द वैल्यू. एन इन्फिनिटी हो गया तो ई एन हो गया जीरो. ठीक है. तो अगर आपने इन्फिनिट क्वांटम नंबर पे देखा कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो कोई एनर्जी होगी नहीं. इट मींस उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको कोई एनर्जी खर्च ही नहीं करनी. इट इज नोवेयर बाउंड विद द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ओके. सो इफ यू फाइंड आउट द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और मैं मान लीजिए ऑन द वाई एक्सिस इसे प्लॉट करने की कोशिश करूँ. सो लेट अस से दैट दिस इज माई वाई एक्सिस. अगर आप इस फॉर्मूले में माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर में एन इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो यू विल गेट 13.6. लेट्स से दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या किंक लगा देते हैं, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. 13.6 के बाद आप एन इक्वल्स टू 2 पुट करें तो ये हो गया आपका एन इक्वल्स टू 1 के लिए. नाउ वी विल चेक इट फॉर एन इक्वल्स टू 2. माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज द वैल्यू 3.4. तो इससे 10 आ गए. तो मैं यहां लिख दूं 3.4. सो फॉर एन इक्वल्स टू 2 इट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. और देखते हैं व्हाट अबाउट एन इक्वल्स टू 3. लेट अस सी 13.6 डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू 3 का मतलब है 9. तो वी हैव गॉट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर व्हिच इज 9. वी गॉट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, माइनस 1.51. सो दैट इज एन स्क्वायर इक्वल्स टू 3. या 1.51 फॉर एन इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है. अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इसमें करीब करीब 10 का डिफरेंस है, इसमें 0.5 का डिफरेंस है. तो इनफैक्ट मुझे ये यहां बनाना ही नहीं चाहिए था. 1.5 का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है और ये 1.5 का डिफरेंस है, तो काफी क्लोज होंगे. ये रहा आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर n इक्वल्स टू 3, बहुत क्लोज होंगे. ये डिस्टेंस देखिए, इन दोनों के बीच केवल 1.5 के करीब का डिफरेंस है, 1.9 मान लें अगर ये 3.4 है तो. और ये 10 का डिफरेंस है टोटल, 10.2 का. और आगे बढ़ेंगे आप. सो लेट मी जस्ट यूज 13.6 डिवाइडेड बाय 4 4 16, तो हो जाएगा 0.85. अब 1.5 और 0.85 में और पास खा जाएंगे, ये दिस विल बी इक्वल्स टू, ये भी काट दीजिए, वी डोंट नीड दिस, गलत हो गया था वो. 0.85 विद अ नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. और आगे बढ़ाएंगे आप तो ये हो जाएगा 5 5 25, 13.6 डिवाइड बाय 25, 0.54. तो 0.85 और 0.54 और करीब आ जाएंगे. तो यू वुड सी, जैसा कि बाल्मर ने नोटिस किया था कि जितने हायर लेवल पे जाते जाएंगे
उतनी ही करीब आती जाएंगी ये स्पेक्ट्रल लाइंस, और थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि ये तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ऐसा ही इस मॉडल से भी एक्सप्लेन हो रहा है। इफ यू यूज En इज इक्वल्स टू E1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताने के लिए था आपको कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कितने हद तक करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया गया थ्रू एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय नील्स बोहर। एक और एग्जांपल आपकी किताब से है विच आई वुड लाइक टू इंक्लूड। हाइड्रोजन एटम को कई लोग अपनी लैब में सिंथेसाइज करते हैं, हालांकि वो स्टेबल नहीं होते हैं और थोड़ी देर में वो टूट जाते हैं। क्या करते हैं, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और हाई एनर्जी बीम्स के इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर उन्हें ऑर्बिट में रखने की कोशिश करते हैं। तो इन एटम्स को जो कि सिंथेटिक होते हैं कहा जाता है रिडबर्ग्स एटम। अब रिडबर्ग एटम भले ही है लेकिन हमारे लिए तो ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम जो कि रिडबर्ग एटम कहलाते हैं आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है। इसका मतलब हम लैब में कुछ भी सिंथेसाइज कर सकते हैं काफी हद तक, बट इट इज नॉट स्टेबल। पूछा जा रहा है कि अगर इस तरीके से हमने एक एटम सिंथेसाइज किया है जिसकी की रेडियस उन्होंने RN ऑलरेडी दे दी है 0.0100 मिलीमीटर, ठीक है। हम रेडियस एंगस्ट्रॉम्स की बात करते हैं, ये कितने में आ रही है, मिलीमीटर्स। अगर आपकी रेडियस इतनी है, इससे ज्यादा आप करने की कोशिश करेंगे तो और एनर्जी लगेगी, तो बताइए कि n क्या रहा होगा। आप जानते हैं कि हुआ ये है कि A0 तो ये रहा, अब ये A0 से काफी दूर चला गया है तो n बढ़ गया होगा। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट RN इज गिवन बाय n स्क्वायर इनटू A0। आप यहां से बस n स्क्वायर निकाल लीजिए, दैट वुड बी वे इजी। RN दिया हुआ है 0.0100 मिलीमीटर, इसका मतलब 10^-3, ये मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ए नॉट होता है क्या, 5.3 × 10^-11, और ये दे देगा आपको एन स्क्वायर। सो इफ यू विल कैलकुलेट 0.0100 × 10^-3 डिवाइडेड बाय 5.3 × 10^-11 विल गिव यू अ वेरी बिग नंबर, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाटएवर द आंसर हैज कम, इट विल गिव मी नियरली 434.37। अब क्योंकि हम इंटीजर मानते हैं ना, दिस कैन नॉट बी अ एनी नंबर, इट हैज टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो 430, अब 5 से कम है तो इसलिए 34 मान लेते हैं। n इक्वल्स टू 434 की बात हो रही है, तो सोचिए कितनी कम एनर्जी गई होगी। लेट अस सी कितनी कम एनर्जी गई होगी, 13.6 डिवाइडेड बाय 434 × 434 अपॉन n स्क्वायर। सो दिस मच इज द एनर्जी, 7.2 × 10^-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वेरी स्मॉल अमाउंट। हमें देखने में स्मॉल लग रही है लेकिन अगर जूल्स में निकालेंगे देन यू विल गेट टू नो हाउ मच एनर्जी इट इज, फाइन। सो you can also calculate energy of such type of orbital electrons. अगर energy निकालने को दी जाए तो n तो है ही आपके पास, you can simply use formula En is equals to E1 upon n square. Remember केवल इसी तरीके के system में जहाँ एक proton एक electron है और कहीं नहीं, E1 upon n square. अगर E1 upon n square लगाया तो E1 is -13.6 eV upon 434 का square, you will get to know that it is nearly 2.7 × 10^-5 electron volts. ठीक, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो line spectrum हमें दिख रहा था वो इन्हीं transitions की वजह से था। आपके पास बहुत सारे energy levels हैं और इन energy levels में electrons can come from top to bottom or can go from bottom to top, and when they are coming from top to bottom they will emit radiation, when they are coming from bottom to top they will absorb radiation. To is tarike ki condition jab hogi tab hame milega absorption spectra, aur jab is tarike ki condition hogi tab hame kya milega, emission spectra. और वो एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में स्पेसिफिक लाइंस क्यों हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट तरीके से अरेंज्ड हैं। ये E equal 1 है, ये E2 है,
ये ई थ्री है, ये ई फोर है, ये ई फाइव है, ये ई सिक्स है. हालांकि अभी रिट्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम कह रहे हैं कि कहीं से कुछ भी ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स जब अपनी शक्ति दिखाएगी तो हम एक प्रिंसिपल बोलते हैं जिसे कहते हैं सिलेक्शन रूल, हमें वो अपनाना पड़ेगा. कि ऐसा नहीं कोई भी ट्रांजिशन अलाउ हो जाता है, कुछ कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा आपको. फिलहाल आप ये मान लीजिए क्योंकि आपको बताया नहीं गया कि एनी ट्रांजिशन इज अलाउड फ्रॉम एनी लेवल टू एनी हायर लेवल टू एनी लोअर लेवल और एनी लोअर लेवल टू एनी हायर लेवल गिविंग राइज टू लाइन स्पेक्ट्रा. इसीलिए कंटिन्यूस नहीं मिल रहा था, हमें लाइंस मिल रही थी, ग्रीन थी, रेड नहीं थी, येलो थी, ब्लू नहीं थी, कुछ इस तरीके से लाइंस मिल रही थी. रिमेंबर द लास्ट स्लाइड आई शो यू इन द लास्ट लेक्चर. दैट्स इट. सो अब यहाँ से यू कैन जस्ट टेक एन अकाउंट दैट यू कैन सिंपली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑल्सो. आई विल जस्ट टेक ऑल्दो इट इज 20 minutes 48 seconds इन द वीडियो, आई विल जस्ट टेक 5 more minutes इन ऑर्डर टू फिनिश दिस टॉपिक इन फुल. सो द टेक अवे, another takeaway from this lecture will be that you know that the difference in the energy, which I like to write as EI minus EF, jiski ki wajah se, is transition ki wajah se, for example this was the initial EI and this was the final EF, yahan se yahan transition ho raha hai, to iski wajah se yahan se ek electron niklega h nu, ya fir aap jante hain ki agar ulta hota to electron absorb bhi ho jata to EI minus EF equals to some h nu. But अब EI और EF की equations आप जानते ही हैं. I can write that this has to be equals to some E1 upon Ni square, एक quantum number जो कि initial energy state level को बता रहा होगा, minus E1 upon Nf square. तो actually EI is equals to E1 upon Ni square, EF is equals to E1 upon Nf square. Now you can simply write this as h nu is equals to even common, even मैंने common ले लिया, 1 upon n I square minus 1 upon n f square. अब अगर मैं एक minus common ले लूँ, minus EI, it will become 1 upon nf square minus 1 upon ni square. This is equals to h nu. But you are interested in wavelength. So, pehle hum frequency likhte hain. It can be written as nu is equals to minus e1 upon h. Minus hai. Theek hai? Isliye negative wavelength nahi aayegi. So, ye minus isliye bahar nikal liya. 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Theek hai? Phir you can write this as nu is equals to, yeah, v is equals to f lambda. So using v is equals to f lambda, yeah, c is equals to nu lambda, I can write that nu is equals to c by lambda. So isko likh sakta hu main that c by lambda is equals to minus e1 upon h 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Fine. अब आप यहां से 1 upon lambda निकाल सकते हैं, this will give you a series. So 1 upon lambda is equals to minus of e1 upon c into h, c is speed of light, h is Planck's constant, 1 upon nf square minus 1 upon ni square. If you will put the value minus 13.6 c and h, ये आपकी series बन जाएंगे. इट विल डिपेंड ऑन कि एन आई की जगह आप हमेशा 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं. इट विल डिपेंड ऑन कि बामर सीरीज होगी, लाइमन सीरीज होगी, क्या सीरीज होगी, लेकिन केस यही होगा, एन आई विल बी ग्रेटर देन एन एफ हमेशा. ठीक है, इन ईच केस. सो दिस विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइमन सीरीज देखें जिसमें योर एन आई इज इक्वल्स टू 1 एंड एन एफ can be equals to 2, 3 and so on. So you can write it as is equals to minus e1 upon ch, 1 upon so ni we are considering to be greater. So this is greater. So I should have done that nf is 1, 2, so, sorry, I'm nf is fixed equals to 1. And ni can be 2, 3, 4 and something.
it has to come back to the final state, which is nf equals to 1. So I will just use it as 1 upon 1 square minus 1 upon n square, or n 2 3 4 ho sakta hai. Such a series will be called as Lyman. If I have minus even upon ch, 1 upon 4 minus 1 upon n square, this I'll call as Balmer, and so on. You know that. What does that mean? Ki aapke paas maan lijiye, you have lot of spectral energy levels. N equals to 1 ye ho gaya, n equals to 2 ye ho gaya, 3 ye ho gaya, 4 ye raha. Let me make n equals to 2 somewhere else. 2 ye raha. So let us say this is n equals to 1, this is n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4. So jab ऊपर वाले लेवल से n equals to 1 पर लौट कर आए, इट कैन कम फ्रॉम एनी वेयर, बट इफ इट इज कमिंग बैक टू n equals to 1, यू विल कॉल द सीरीज ऑफ सच अ सिस्टम एज लाइमन सीरीज. और अगर 1 से एब्जॉर्ब होकर कहीं जाएगा तो भी लाइमन एब्जॉर्प्शन सीरीज कहलाएगी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट विल कम बैक टू ओनली द लेवल नंबर 2 और एनर्जी लेवल 2 फ्रॉम अदर हायर लेवल्स, देन इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू बामर सीरीज. एंड यू कैन see page number 153 in your book, Arthur Beiser. Ek acha sa diagram diya in order to explain this series. Aur n equals to infinity kahin hoga, jise hum bolte hain unbounded state. Kyunki n equals to infinity pe agar aapne liya, to energy ho jayegi zero. To n equals to infinity se bhi n equals to 1 pe aa sakta. It can come from anywhere. Theek hai? So this actually completes in a way, total explanation and discussion on Niels Bohr model. अब दो छोटी छोटी चीजें बची हैं. मैंने आपसे कहा था कि एक तीसरा प्रिंसिपल और जो कि नील बोर ने दिया, पहला तो दिया कि इलेक्ट्रॉन आर ऑर्बिटिंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस. दूसरा ये दैट इलेक्ट्रॉन्स वाइल ऑर्बिटिंग कैन एब्जॉर्ब और एमिट फोटॉन्स. तो वो फोटॉन्स के एमिशन और एब्जॉर्प्शन की वजह थी ये स्पेक्ट्रल लाइन्स या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. चौथा तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज नील्स बोर ने कही थी वो ये कि n जितना लार्ज होगा क्वांटम फिजिक्स उतनी ही क्लासिकल फिजिक्स की तरह से बिहेव करेगी, विच ही कॉल एज कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, जो कि अगले लेक्चर का पार्ट होगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.